नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। परिषदी स्कूल की शिक्षिका पर लगे आरोपों पर भले ही बेसिक शिक्षा विभाग चुप्पी साधे रहा, लेकिन स्कूल में वीडियो रील बनाकर शिक्षिका को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर जैसे ही शिक्षिका की रील ने सुर्खियां बटोरी, वैसे ही बीएसए ने कार्यवाही का शिकंजा कस दिया। शिक्षिका को निलंबित कर मामले पर जांच बैठा दी गई, साथ ही आरोपित शिक्षिका को अन्य स्कूल में संबद्ध किया गया। मामला शिकारपुर ब्लॉक के संविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा का है। यहां के प्रधानाध्यापक भीम प्रकाश ने सहायक अध्यापिका प्रभा नेगी पर समय पर स्कूल नहीं आने, मनमानी करने, स्टाफ से अभद्रता करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, मेज पर बैठने, बेंच पर बच्चों के बस्तों पर पैर रखने, अभिलेखों के साथ छेड़खानी करने, पढ़ाने की बजाय वीडियो रील बनाने आदि आरोप लगाए थे। बीएसए सहित उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत भी की गई। आरोप है कि शिकायत के बाद शिक्षिका पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षिका की वीडियो रील वायरल होने पर एससी एसटी बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य वेद प्रकाश गौतम ने ये मामला उठाया। इस पर विभाग ने गंभीरता दिखाई और प्रारंभिक जांच में वीडियो रील स्कूल में बनी होने की पुष्टि होने पर बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया। मामले पर जांच बैठाकर प्राथमिक विद्यालय सजनंगला में संबद्ध किया गया। स्कूल में वीडियो रील बनाने वाली शिक्षिका प्रभा नेगी को निलंबित किया गया। उन पर और भी आरोप लगे हैं। पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है।